चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां विपक्षी एकजुटता पर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा हमला बोला है। जंगल के जानवरों से विपक्षी दलों की तुलना की है। सियार, हिरण, लोमड़ी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, जबकि एक घाट पर सियार, लोमड़ी और अन्य जानवर हो तो ये समझ लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। देखिए अपने ही शब्दों में एक बड़ा हमला बोला है गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी एकजुटता पर। सारे विपक्षी चुनाव के वक्त इकट्ठा हो जाते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद ये सभी वादे भूल जाते हैं। जब सियार, हिरण, लोमड़ी, अन्य इस तरह के जो भी जानवर एक घाट पर पानी पी रहे हों तो ये मान लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। मोदी जी की सुनामी चल रही है और ये सब जानते हैं कि उड़ जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। विज्ञान का सिद्धांत है कि जब कोई फ्यूज सर्किट होता है वो दूसरे सर्किट को भी फ्यूज कर देता है, और इसलिए ये फूके बल्बों की जो झालरें हैं ये अब रोशनी नहीं दे पाएंगी। ये देश समझता है, ये चुनाव के समय इकट्ठे हो जाते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, विपक्षी एकजुटता पर तंज कसा है गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, लेकिन आज सुन रहे हैं साइंस का भी एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया, जंगल का उदाहरण भी उन्होंने दिया, आज कुछ नए तरह के शब्दों का प्रयोग किया है गृहमंत्री ने विपक्षी एकजुटता पर निशाना साधने के लिए। देखिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्यप्रदेश के गृह मंत्री के पास लफ्ज़ों का तो भंडार होता है जया, और हमेशा वो शायराना अंदाज में या अपने ही अंदाज में कुछ कहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में, और सबसे अलग कोई था तो वो नीतीश कुमार थे, पर नीतीश कुमार भी आ गए हैं विपक्ष के साथ, और नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंप दी है ममता की और केजरीवाल की। तो अब पूरा विपक्ष ये चाहता है कि एकजुटता के साथ 2024 में नरेंद्र मोदी को ये बता पाएं कि हम भी मैदान में हैं। लेकिन यही विपक्ष की एकता, जिस तरह से विपक्ष एकता दिखाता है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाती, खासकर नरेंद्र मोदी ये बताने में सफल हो जाते हैं कि मैं अकेला हूं, तो उसी की तुलना कहीं कर दी है। नरेंद्र मोदी को शेर कह दिया और बाकी को लोमड़ी और बाकी अन्य जो जंगली जानवर है उनसे तुलना कर दी है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा हमला है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, ऐसे दौर में जब 24 के चुनाव भी है, 23 के चुनाव भी है, और विपक्ष जो है वो एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहा। इस बीच में कई बार ऐसी खबरें भी आती है, आपने देखा होगा शरद पवार अपनी बात कहते हैं, ममता जी अपनी बात कहती है, तो ये सब वही है कि एक तरफ आप एकजुटता दिखाते हैं लेकिन क्या एकजुट हो पाएंगे। लेकिन जब सामने शेर होगा तो फिर ऐसा लगता है कि जहां से पानी मिल जाए वहां से पी लिया जाए, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान में कहा, तो उनका इशारा उसी तरफ है। लेकिन निश्चित रूप से इस बयान के बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, और उन्होंने जिस तरह से तुलना की है हमें लगता है अब इस पर सियासत और गर्माने वाली निश्चित तौर पर। लेकिन 2019 में भी विपक्षी एकजुटता हम सभी ने देखी थी मनोज जी, और उसके बाद क्या हश्र हुआ था वो सबके सामने है, और अब एक बार फिर से 2024 चुनाव से पहले विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी कई तरह के बयान इसे लेकर आ रहे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।